हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटेक। आज इस सेशन में मैं आपको एनिमल साइंसेस का एक स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं आज ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को लेकर, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट आ जाता है। जब हम बातें करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, तो उस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बातें करते हैं, तब हम देखते हैं कि इस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में RBC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैसे एसोसिएट होती है और इसके एसोसिएशन से किस तरीके का कर्व, या जिसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी कह सकते हैं, इसको एसोसिएशन कर्व भी कह सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। जब हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, अपने पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स इसके साथ एसोसिएट रहती है ना। ये अल्फा, ये 2 अल्फा हो गई और ये नीचे वाली 2 बीटा चेन्स हो जाती है। और इन्हीं के साथ एसोसिएट कौन होता है आपके पास, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। यहां हम देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग है, ये एक तरीके से एक एलोस्टेरिक बाइंडिंग होती है, एलोस्टेरिक एंजाइम की तरह ये रेस्पॉन्स करती है, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग, जिसको आप ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन भी कह देते हैं, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन भी कह देते हैं, ये बाइंडिंग कैसी होती है जब आप देखेंगे तो हमें एक क्या देखने को मिलेगा, सिग्मोइड कर्व देखने को मिलेगा, सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये सिग्मोइड कर्व कैसे बनता है। और जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर किस तरीके से रिलेट करता है ना, उसको लेकर मैं बात करता हूं। तो अब मैं जो इस टॉपिक में आगे जो बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कर्व के बारे में, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कर्व के बारे में। आप इसको डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कह सकते हैं, डिसोसिएशन कर्व भी कह सकते हैं। क्या क्या चीजें होती है देखते हैं। जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बातें करते हैं तब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ कैसी होती है, हमने अभी भी देखा कि वो एलोस्टेरिक होती है, ओल और नॉन फेनोलेपिन पर काम करती है। और जब सारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, या फिर मैं कहूं कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट हो जाते ही, तो मैं उसको बोलूंगा 100% सैचुरेशन, उसको मैं क्या कहूंगा, 100% सैचुरेशन। हमें याद क्या रखना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि जो 100% सैचुरेशन है उसके लिए पार्शियल प्रेशर कितना चाहिएगा, लगभग 100 का हमें चाहिए होगा। लेकिन मान लीजिए कि इसी डिसोसिएशन अगर मैं कर दूं हीमोग्लोबिन से, मान लीजिए किसी एक O2 को मैं अनलोड कर दूं, एक O2 को मैं अनलोड कर दूं, तो सिचुएशन मेरे पास कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी कि वहां 75 एक जगह मैंने खाली छोड़ दी। उस केस में मैं इसको क्या कहूंगा कि यहां क्या हो रहा है, 75% सेचुरेशन। अगर ये 75% सेचुरेशन है तो ये लगभग कितने पार्शियल प्रेशर पर आता है, आप देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर वहां लगभग 40 का देखने को मिलता है। और यही बातें हमें अपनी एग्जाम के लिहाज से ध्यान में रखना है कि 75% सेचुरेशन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता है, 40 का रहता है, लेकिन 100% सेचुरेशन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए होता है, 100 चाहिए होता है। जब हम दोनों ही चीजों को रिलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो कर्व आता है वो कैसा आता है, सिग्मोइड आता है। देखिएगा,
मैं दो आपके पास कर्व बना रहा हूँ, एक्सिस बना रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को ले रहा हूँ और मैं वाई एक्सिस पर भी ले रहा हूँ परसेंटेज सेचुरेशन को, परसेंटेज सेचुरेशन को। अब परसेंटेज सेचुरेशन मान लीजिए कि यहाँ एक मॉलिक्यूल बाइंड हो गया तो 25 सेचुरेशन हो गया, यहाँ मैं दो मॉलिक्यूल को बाइंड कर देता हूँ तो मेरे पास 50%, तीन मॉलिक्यूल को बाउंड कर दूंगा तो मेरे पास 75%, और चार मॉलिक्यूल्स को मैं बाउंड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100%। ऐसे ही मैं अगर एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को लेके चलूं तो मैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10 कर देता हूँ किसी एक टिपिकल पॉइंट पर, वो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 90 का 20 कह जाएगा, 90 के बाद 100 आता है ना, तो इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, 90 के बाद में हम लिखेंगे 100 तक हो गया। चलो मान लीजिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 100 अपना 40 का है यहाँ है ना, 100 का है यहाँ है, इन दो ही बातों को हमें ध्यान में रखना। इसका मतलब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होगी तो जो कर्व है वो कर्व कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। कर्व कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। क्या समझे इस बात से, दो चीजें जो मैं अभी आपको पहले थ्योरेटिकली बता चुका हूं। पहली बात कि जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन का 75% सेचुरेशन, चलो यहां से बताता हूं 75% सेचुरेशन कितना कहां पर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये 75% सेचुरेशन है, ये 75% सेचुरेशन है, और ये सेचुरेशन हमें कहां मिलेगा, 40 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यही अगर मैं 100% सेचुरेशन की बात करूं तो ये सेचुरेशन आपको कब मिलेगा, 100% सेचुरेशन कब मिलेगा आपको, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, 100 रहेगा। दोनों बात यहाँ जस्टिफाई हो रही है, 100% सेचुरेशन के लिए पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, जबकि 75% सेचुरेशन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। बस ये तो बताया जाना रहा हूँ मैं, इसी कर्व, यही जो कर्व होता है वो कैसा होगा, सिग्मोइड कर्व होगा, सिग्मोइड कर्व आप इसको कहेंगे। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे इससे भी जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में हमें बहुत पूछी जाती है, इतना तो है कि सिग्मोइड कर्व ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन कौन कौन से फैक्टर इसके साथ ऐसे एसोसिएट रहते हैं जिनकी वजह से ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिस्टर्ब हो जाता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि फेवर करते हैं ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन को, वो वही कौन से वो फैक्टर है जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, देखते हैं। तो मैं ऊपर अपनी एक हेडिंग बना देता हूं छोटी सी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। देखिएगा अब वो फैक्टर्स जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के, चल अलग से बता देता हूं कि वो फैक्टर्स जो फेवर करते हैं, जो फेवर करेंगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को, उस स्पेशल स्टेट जो आएगी उसको आप टी स्टेट से डिनोट करते हैं, टेंस स्टेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब टेंस स्टेट आती है तो उसका मतलब हम ये मानेंगे कि टेंस स्टेट का मतलब होता है कि वहां अनलोडिंग ऑफ O2 को क्या किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो उस केस में हीमोग्लोबिन की O2 के साथ अफिनिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अनलोड होने की। 100% सेचुरेशन था लेकिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहां से डिसोशिएट हो रहा है, 75 सेचुरेशन की तरफ जा रहा है, समझे बात को। इसीलिए इसका मतलब जब कभी भी अनलोडिंग होगी, टी स्टेट फेवर होगी, उस केस में हम मानेंगे कि जो अफिनिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की वो कैसे हो जाएगी, लोवर्ड हो जाएगी।
तो इसको मैं क्या लिख दूं कि लोअर्ड अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो उस केस में क्या जो सिग्मोइड कर्व आ रहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 75% सेचुरेशन 40 पार्शियल प्रेशर पर आ रहा था, 100% सेचुरेशन 100 पार्शियल प्रेशर पर आ रहा था, क्या उसमें कोई फर्क आएगा? डेफिनेटली फर्क आएगा। देखिएगा कैसे फर्क आएगा, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ वो सिमिलर डायग्राम अपने पास, और उसमें मैंने जैसे मान लीजिए ये सिग्मोइड कर्व मैंने बनाया है जो अपने पास ओरिजिनल। अब जिस केस में जहां मैंने अनलोडिंग ऑफ O2, अनलोडिंग ऑफ O2 है ना, दैट इज O फोटो है ना, नॉट O2, ऑक्सीजन का O2 के साथ अनलोड को प्रमोट किया है, एफिनिटी को मैंने प्रोड्यूस किया है, उस समय आप देखोगे कि जो पार्शियल प्रेशर 75 सेचुरेशन में 75% सेचुरेशन में कितना आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था, अब ये करीब आपको कहां देखने को मिलेगा, 50 के आसपास देखने को मिलेगा, 50 के आसपास। इसका मतलब ये जो कर्व है वो कर्व देखो किधर आ चुका है, ये 75% का मतलब क्या हुआ है कि 75 सैचुरेशन या नॉर्मल कंडीशन में कितना आना चाहिए था, 40 पार्शियल प्रेशर पर आना चाहिए था, लेकिन जब भी कभी भी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एबिलिटी रिड्यूस की जाए, टेस्ट स्टेज को प्रमोट की जाए, O2 को अनलोड करने की बात की जाए, उस केस में ये कर्व हमेशा आपको कैसा देखने को मिलेगा, राइट साइड शिफ्ट देखने को मिल जाता है। ये कैसा हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट आपको इस कर्व का देखने को मिल जाता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि इन ये O2 जो है हीमोग्लोबिन के साथ डिसोशिएट होनी चाहिए, उन फैक्टर्स की एक एक करके बात करता हूं। जैसे मान लीजिए फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, जैसे लो पीएच, जिसको मैं एसिडिक पीएच भी कह देता हूं, एसिडिक पीएच। और एसिडिक पीएच का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपने बोर इफेक्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हम क्लास में बहुत डिटेल से बात करते हैं, बोर इफेक्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, बोर इफेक्ट की वजह से भी राइट साइड शिफ्ट आपको देखने को मिल जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी हाई CO2 बाहर निकलती है, उसकी वजह से प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है, टी स्टेट को फेवर किया जाता है। एक आप देखोगे ग्लाइकोलिसिस इंटरमीडिएट आता है 2,3-BPG, 2,3-bisphosphoglyceric एसिड, ये क्या होता है ग्लाइकोलिसिस इंटरमीडिएट, ये भी टी स्टेट को फेवर करता है। और देखिएगा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो गया, ये भी टी स्टेट को फेवर करता है। हाई कंसंट्रेशन या हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या करता है, जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी O2 के साथ CO2 के साथ ज्यादा हो जाती है, O2 के साथ कम हो जाती है। तो ये जो फैक्टर हो गए वो किसको फेवर करते हैं, टी स्टेट को फेवर करते हैं, O2 का हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन को ये एनहांस करते हैं। पीएच की बातें आ जाएगी, एक्सरसाइज की बातें आ जाएगी, 2,3-BPG की बातें आ जाएगी, टेम्परेचर और पी सी O2 की बातें हो जाएगी। अब उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो किसको फेवर करते हैं, आर स्टेट को फेवर करते हैं, मतलब रिलैक्स स्टेट को फेवर करते हैं, है ना। अब हम बातें करते हैं आर स्टेट को फेवर करने वाले फैक्टर्स की बातें करते हैं, और आर स्टेट का फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि यहां आपको क्या देखने को मिलेगी, यहां फेवर की जाएगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन को, मतलब हाई एफिनिटी आपको यहां देखने को मिलेगी। और जब होगा उस केस में आप देखिएगा कि जो हमारा सिग्मोइड कर्व है जो ओरिजिनली कुछ ऐसा आना चाहिए था, सिग्मोइड आना चाहिए था, ये अब क्या कर दिया जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, कि जो 75% सेचुरेशन था वो ओरिजिनली आपके पास कितने पर आना चाहिए था, 40 पर आना चाहिए था, लेकिन ये 40 से पहले ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब वो फैक्टर जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को
लेफ्ट साइड की तरफ फेवर करते हैं वो हमेशा आर स्टेट को फेवर करेंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की अफिनिटी बाइंडिंग को फेवर करेंगे, हाई अफिनिटी को फेवर करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ अफिनिटी को फेवर करते हैं, देखिएगा मैं उन फैक्टर्स की बातें कर रहा हूं। सबसे पहले कुछ नाइट्रेट्स जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, नाइट्रेट जो होते हैं वो ऐसा काम करेंगे, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये। इसके अलावा आप देखोगे तो एडल्ट हीमोग्लोबिन तो है ही है, फीटस का हीमोग्लोबिन आप देखोगे एडल्ट के कंपैरिजन में, आप करोगे जो फीटस हीमोग्लोबिन है, फीटस फीटस हीमोग्लोबिन है जहां आप देखे हो कि अल्फा 2 गामा 2 चेंज होती है, और गामा 2 जो होती है वो हाई अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, हाई अफिनिटी, इसलिए बच्चों में ऑक्सीजन की जो होती है अफिनिटी हीमोग्लोबिन की लेकर बहुत ज्यादा होती मानी जाती है। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के लिए आपके पास हाई एल्टीट्यूड हो गया, फीटल हीमोग्लोबिन हो गया, नाइट्रेट्स हो गए, ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को किधर चले जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ। आप मायोग्लोबिन ले लीजिए, मायोग्लोबिन जो एक ऑक्सीजन स्टोरेज पिगमेंट होता है मसल्स में होता है, इसमें भी आप देखोगे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। जब कभी भी ये होती है तो आप देखोगे तो मायोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होती हुई दिख जाती है। तो मैंने दोनों ही बात कर ली, आपको आर स्टेट की बात कर ली है जहां ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन होती है, मैंने टी स्टेट की भी बात करी जहां ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन की भी बातें हो जाती है। तो ये था हमारा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट, और इस ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से इंपॉर्टेंट बातें मैंने करी, सिग्मॉइड कर्व होता है, और उसके साथ उन फैक्टर्स की भी बातें करें जो कि टी स्टेट और आर स्टेट को भी फेवर करता है, ठीक है। तो यहां तक की बातें हम इस सेशन में करेंगे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।